राम जन्मभूमि पर आज से अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है आज से अयोध्या में श्री राम के आने का जो वक्त है वो धीरे धीरे छड़ छड़ कम हो रहा है अब आज से अनुष्ठान अयोध्या में राम लला के उस जन्मस्थली पर जिसका इंतजार 500 सालों से था वहां भव्य राम मंदिर में आज से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तक जो भव्य कार्यक्रम होना है उसकी शुरुआत हो रही है आपको बता दें कि पूरा अयोध्या अब राम भक्त हो गई है राम के धुन पर राम के संगीत से राम की फिजाओं ने अयोध्या से पूरे देश को राममय बना दिया है सरयू जी के तट पर जो बेहम दृश्य है वो दिखाई पड़ रहा है देश के हर कोने से लोग अयोध्या जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि अब रामलला आ रहे हैं और रामलला के आने में अब चंद घंटों की देरी है क्योंकि रामलला के आने के स्वागत में भव्य वैदिक संस्कारों के माध्यम से कार्यक्रम किए जा रहे हैं अनुष्ठान किए जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विधवत पूजा अर्चना शुरू हो रही है अयोध्या में कई कुंड बनाए गए हैं कई जगहों पर यज्ञ स्थल बनाए गए हैं लाखों करोड़ों जो भक्त हैं वो पहले से ही अयोध्या धाम के तरफ कूच कर चुके हैं और इस तैयारी के बीच आज से महायज्ञ के महा आयोजन की शुरुआत हो रही है अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के ठीक पहले जो तैयारी हो गई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं 22 जनवरी को निर्माणीन भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर आज से सभी अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं अगले छह दिनों तक जो अनुष्ठान चलेंगे और फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा सत्रह जनवरी राम लला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे 18 जनवरी को भगवान स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो रहे हैं सबसे पहले आज प्राचित और कर्मकूट पूजन अनुष्ठान किए जाएंगे अयोध्या के सरयू तट पर विष्णु पूजा और गोदान का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा वहीं इस कार्यक्रम में 17 और 18 को विशेष पूजा है फिर 20 जनवरी को फिर 21 जनवरी को और 22 को दोपहर तो बारह बजकर बीस मिनट पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है 121 आचार्य मौजूद रहेंगे श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविण अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे इस प्रकार पूरे आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और अब वो क्षण नजदीक है जिस क्षण जिस घड़ी के गवाह बनने के लिए देश और दुनिया भर के राम भक्त अयोध्या पर नजरे टिकाए हुए हैं कुछ लोग अयोध्या में आकर तो कुछ लोग अयोध्या से होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख कर भी अयोध्या में खुद को राम भक्त बनकर वो लीन कर रहे हैं पनोरमा रूप जो सोचता है वो करता है ये लो मुंह मीठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हो हमने पूर्णिया में घर ले लिया है पूर्णिया के ई होम्स स्पेनोरोमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग ई होम्स पैनोरमा लग्जूरियस लाइफ स्टाइल रीडिफाइंड